हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा कोफ्ता बनाएंगे जो बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। ये कोफ्ता है मैगी का। आइए देखते हैं मैगी का कोफ्ता झटपट और टेस्टी कैसे बनता है। मैगी का कोफ्ता बनाने के लिए एक पैकेट मैगी लिए हैं। मैगी का कोफ्ता खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसका पैकेट खोल लिए, अब इसे तोड़ेंगे। तोड़ने से ये फायदा होता है कि जब हम कोफ्ता बनाएंगे तो ये पूरा पूरा लच्छा लच्छा नहीं रहेगा। एक पतीली में पानी डालकर इसे खौला लेंगे। पानी उबल रहा है, इसमें मैगी को डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक पकने देंगे। मैगी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब इसमें जो पानी बचा हुआ है इसे सुखा देंगे। मैगी का पानी सूख गया है, अब गैस को बंद कर देंगे। मैगी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैगी ठंडा हो गया है, अब इसमें मैगी मसाला डालेंगे। चौथाई चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। और चौथाई चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच कटा हुआ लहसुन डालेंगे। कटा हुआ अदरक आधा चम्मच डालेंगे। हरी मिर्ची कटा हुआ है इसे डाल देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। चौथाई चम्मच बेसन भून के रखे हैं इसे डाल दिए। धनिया पत्ती डालने से टेस्ट बहुत अच्छा होता है, खुशबू भी आता है। एक प्याज काट के रखे हैं मीडियम साइज का, इसे भी डाल देंगे। ये घर का बना हुआ पुआ है, इसे भी डाल देंगे। अब आपके पास है तो डाल सकते हैं। अब खूब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिलाएंगे। चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गया है। हाथ में ऑयल लगा के इसका कोफ्ता बनाएंगे। इसी तरह सभी कोफ्तों को बना लेंगे। कोफ्ते बन गए हैं, इन्हें साइड में रखते हैं। पैन पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिए थे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म है, इसमें कोफ्तों को डाल देंगे। को पलट लेंगे। कोफ्तों को पलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। कोफ्ते गोल्डन कलर के हो गए हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। कोफ्ते फ्राई होकर रेडी हैं। कोफ्ते खाने के लिए रेडी है। मैगी के कोफ्ते खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।